दोस्तों भारत के अंदर आने वाला 197 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला भाई साहब, ये मात्र एक ऐसा एयर कूल्ड इंजन है जो कि पूरी भारत के ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डीजल एवरेज और भाई साहब सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी लेके आता है अपने साथ। और भाई साहब ये नॉर्मल ऐसा वैसा इंजन नहीं है, ये आइशर के इंजन्स हैं। और इसमें भाई साहब बात वो होती है कि प्योर एयर कूल्ड इंजन के साथ भी भाई साहब इस ट्रैक्टर में आप 7 फुट का रोटरवेटर बड़ी आसानी से चलाओगे। और भाई साहब ट्रैक्टर आप बोलोगे कि भाई साहब रेडिएटर नहीं है तो गर्म होगा, भाई साहब ये इंजन इतना काबिल है कि भाई साहब अगर इसको आप 24 घंटे कंटिन्यू भी चलाओगे ना तो इसमें भाई साहब एक रत्ती प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि भाई साहब आइशर ने मात्र इस मॉडल के अंदर इतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट डाली हुई है कि भाई साहब अगर आपको एक 4500 HP के ट्रैक्टर से 55 HP का काम भी करवाना है तो ये बड़ी आसानी से और बड़ी बखूबी तरीके से करता है। तो भाई साहब यहाँ पर अपन बात करें, ये फुल्ली एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पे देख सकते हो आपको ट्रिपल फैन सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग पिस्टन के लिए ठंडे करने के लिए फ़ैन मिलेगा। मतलब कि अगर आप चाहो तो भाई साहब इसमें आप रैपर, हड़म्बा थ्रेशर, ट्रॉली, प्लाऊ जो चलाना हो आपको वो चलाओ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में भाई साहब यहाँ पे एयर कूल्ड इंजन है तो आपको यहाँ पर रेडिएटर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। साथ में आइशर के इस मॉडल में आपको अब पहले ये 45 HP में आता था, पर आज की डेट में ये आपको 49 HP की RC के साथ आता है। मतलब शुद्ध RC में लिख के आएगा कि भाई साहब 49 HP का ट्रैक्टर है ये। उसके साथ साथ अपन फ्रंट से बात करें तो भाई साहब यहाँ पर जो फ्रंट का जो बम्पर है वो बम्पर बनाया गया है भैया आपका वेट टाइप में। मतलब कि अगर आपके ट्रैक्टर में वेट लगाना है तो बड़ी आसानी से आप इसमें लगा सकते हो और जेरिकन वेट लगा सकते हो, मतलब कि नॉर्मल वेट नहीं, जेरिकन वेट। ये पत्ती उसी के लिए दी गई है। साथ में यहाँ पर अपन फ्रंट शाफ्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर करारो ड्राइव टेक की 4-व्हील ड्राइव शाफ्ट देखने को मिलती है, जो कि फुल्ली ऑयल टाइप सील्ड वाली जो कि फ्रंट ड्राइव शाफ्ट है। और भाई साहब ये एकमात्र ऐसी ड्राइव शाफ्ट है 4-व्हील ड्राइव मॉडल्स में जिसमें भाई साहब आपको सबसे ज़्यादा जो है कि एवरेज देखने को मिलता है डीजल एवरेज में, क्योंकि स्मूथनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, ये जो ड्राइव शाफ्ट है ये स्पेशली उन ट्रैक्टरों में लगाई जाती है जो कि पडलिंग के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। मतलब कि अगर आपको पडलिंग के लिए ट्रैक्टर लेना है तो बड़ी आसानी से आप इस ट्रैक्टर को लो, क्योंकि इसमें पूरा एक तो पहले बात तो पूरा सील्ड है और कहीं से पानी जाने की समस्या नहीं आती, तो आपका ऑयल वगैरह जो है कि ख़राब नहीं होता है। साथ में 485 जो पुराना मॉडल था उससे इसके चूल्हे को थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि इसको 4-व्हील ड्राइव में कन्वर्ट करना था तो फ्रंट का जो चूल्हा है वो पूरा टोटली कन्वर्ट कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अपन बात करते हैं इस तरफ तो आपको जो पावर स्टेयरिंग है वो डुअल टाइप देखने को मिल जाता है, मतलब डबल एक्टिंग टाइप पावर स्टेयरिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह दिए गए हैं वो भाई साहब डिसेंट साइज के, और 2 डीजल फिल्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो यहाँ पर पंप देखने को मिलता है वो आपको मिलेगा माइको वॉश का प्लंजर वाला इनलाइन पंप देखने को मिल जाता है, जो कि 3 सिलेंडर वाला 3 सिलेंडर लाइन के साथ आता है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन में ठंडा करने के लिए ये फिन्स दिए हैं और यहाँ से पंखा जो है कि हवा इसमें मारता है। साथ में यहाँ पे पंप की बात करूँ तो पंप आपको यहाँ पे 2 देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपका पावर स्टीयरिंग का पंप है और दूसरा आपका जो पंप है वो है भैया आपका लिफ्ट का पंप। यहाँ पे एयर क्लीनर जो है वो आपको यहाँ पे डुअल टाइप ट्रिपल स्टेज वाला ऑयल बाथ वाला एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है, जिससे होता ये है कि भाई साहब अगर आप धूल मिट्टी वगैरह में अगर ट्रैक्टर चला रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको लंबे समय तक चला सकते हो। और साथ में इसको चलाने में क्या दिक्कत समस्या आपको किसी भी तरीके की नहीं आएगी और इसको बार बार साफ भी नहीं करना पड़ता है। अब बात करते हैं भाई साहब इसके हाउसिंग की, तो क्लच हाउसिंग वगैरह जो आपको दी गई है वो दी गई है आपका जो आइशर का 551 आता था उसकी, क्योंकि भाई साहब ये मॉडल आइशर का 485 है जो कि 4-व्हील ड्राइव के अंदर आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आइशर का 485 जो कि 4-व्हील ड्राइव के अंदर लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे अपन बात करें इसके टायर ऑप्शंस की तो आपको टायर ऑप्शन MRF का ही देखने को मिलता है, जिसकी 8320 का अगला टायर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे अपन पिछले के टायर की बात करूँ तो 1428 का वही टायर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एक बात बताऊं यहाँ पे आपको टर्निंग रेडियस देखो भाई साहब, अभी ये भी आधा कटा हुआ है ट्रैक्टर फ्रंट से ना भाई साहब, थोड़ा सा और इसकी कटिंग जो है कि अभी होने वाली है। मैं इसके बोनट एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा इसकी कटिंग जो है कि निकल के आती है। अगर आप देखो भाई साहब पूरा ऑलमोस्ट 90 डिग्री जो है कि इसका स्टेयरिंग जो कि कट जाता है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पर जो आवाज़ वगैरह है आइशर की वो वही वाली देखने को आपको मिल जाएगी, मतलब कि नॉर्मल वाली देखने को मिलेगी। थोड़ा सा जो आवाज़ है उसको थोड़ा सा अलग किया गया है, अपन अगर आवाज़ सुन लें
तो भाई साहब अपन थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद इसकी जो है कि प्रॉपर आवाज़ वगैरह सुनेंगे। यहाँ पर देखो क्लच से ऑपरेटेड यहाँ पे आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है। ये देखो ये भाई साहब आवाज़ आप सुन लीजिए थोड़ा। और यहाँ पे आप टर्निंग रेडियस देखो भाई साहब, क्या शानदार इसकी टर्निंग रेडियस निकल के आती है। और आगे से देखो आप ट्रैक्टर ना आगे से उड़ जाता है हल्का सा। ये देखो आगे से ट्रैक्टर हल्का सा लिफ्ट होता है। अब बात करते हैं भाई साहब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की। तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो वो वही वाला देखने को मिलेगा जो कि नॉर्मल टाइप है। इस तरफ आपको जो टाइम है वो देखने को मिल जाता है और RPM डिजिटल ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो घंटे हैं ट्रैक्टर के वो देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ आपका जो बाकी सारे मीटर्स हैं वो सारे एनालॉग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग आइशर का सबसे शानदार रहता है क्योंकि थोड़ा सा उठ के चलता है, तो भाई साहब बड़ी शानदार जो है कि इसमें कम्फर्ट आता है चलाने में। बाकी गेयरबॉक्स की बात करें आइशर 485 फोर व्हील ड्राइव में आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। नॉर्मल आइशर के जो टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आते हैं उसमें ये गेयरबॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरफ आपको जो कि लो हाई का गेयरबॉक्स देखने को मिलता है। और बाकी अपन बात करें यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है जो कि जिससे आप अपने ट्रैक्टर में ही अपने मोबाइल वगैरह को अगर चार्ज करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसको कर सकते हो। साथ में यहाँ पे अपन बात करें आइशर की 485 की फोर व्हील ड्राइव में यहाँ पे आपको 5-स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है। सुपर प्लस की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड हैलोजन टाइप आपको यहाँ पर जो कि इंडिकेटर सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ में ही यहाँ पे क्लच हाउसिंग जो है वो 551 वाली लगाई गई है जिससे होता ही है कि भाई साहब कभी भी आपके ट्रैक्टर में क्लच की जो प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें डबल क्लच देखने को मिल जाता है आपको। और डबल क्लच में भाई साहब सबसे जो अच्छी चीज़ है वो डबल क्लच में कि भाई साहब आपको हाफ क्लच में आपकी PTO चालू होगी और हाफ क्लच में आपका जो है कि आपका गेयरबॉक्स चालू हो जाएगा। यहाँ पे अगर PTO पावर की बात करूँ तो भाई साहब 43.2 HP की आपको यहाँ पे PTO देखने को मिलती है। 157 ग्राम पर आवर की आपको यहाँ पे SFC वैल्यू देखने को मिल जाती है। 2024 के अंदर लॉन्च ये ट्रैक्टर भाई साहब, यहाँ पर आपको फोर व्हील ड्राइव को ऑन और ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर लीवर देखने को मिल जाता है जिससे अपने ट्रैक्टर को फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो लीवर दिया गया है उसमें आप PTO को गियरों में चला सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर आप 540 RPM लेना चाहते हैं अपनी PTO से तो वो भी बड़ी आसानी से आप इसमें ले सकते हो। उसके बाद पिछले हिस्से की अपन बात करें तो भाई साहब आइशर के 485 में आपको सबसे शानदार बात क्या लगती है, सबसे जो बेहतरीन जो सुधार हुआ है वो हुआ है इसके लिंकिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आते थे कुछ इस तरीके से, मतलब चौकोर टाइप की जो पोजीशन आती थी इसकी, तो उसको कंपनी ने बंद करके यहाँ पर आप देख सकते हो गोलाई वाला जो सिस्टम है वो चालू कर दिया है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों की ये शिकायत थी कि रोटर वेटर सीडल वगैरह फंसाते समय प्रॉब्लम आती थी इसको, थोड़ा सा ना फंसाते हुए तो उसके कनखे कट जाते थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर रिजॉल्व कर दी गई है आइशर की तरफ से। पिछला जो एक्सल तो आपको यहाँ पर दिया गया है वो बुल पिनियन टाइप दिया गया है और यहाँ पर अब आपको डबल पॉइंट सेंसिंग देखने को मिल जाती है, मतलब डबल जैक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा सेंसिंग वाला, जिससे आपकी ट्रैक्टर की जो सेंसिंग है वो डबल और ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो आइशर के 485 में सेंसिंग सिस्टम लगाया गया है वो पूरा सेंसिंग सिस्टम मैसी फर्ग्यूसन के भाई साहब 241-1035 वाला लगाया गया, क्योंकि मैसी की लिफ्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार मानी गई है। यहाँ पर आपको जो है कि ग्रीसिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और सबसे जो बड़ा बदलाव इस ट्रैक्टर में हुआ है वो हुआ है भाई साहब यहाँ पर आप देख सकते हो डुअल SCV वॉल्व देखने को मिल जाएंगे जिससे आप अपने ट्रैक्टर में आप कभी भी पल्टी प्लाउ लेजर लैंड लेवर जैसे फीचर्स अगर चलाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट अगर चलाना चाहते हैं, तो उनको आप बड़ी आसानी से इस लीवर के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेलर सॉकेट देखने को मिल जाएगा। लिफ्ट में आपको PC DC लीवर दोनों देखने को मिल जाते हैं। और आप बात करते हैं भैया यहाँ पर सेंसिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर डबल ट्रिपल सेंसिंग पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर टॉप लिंक होल्डर भी देखने को मिलेगा। पिछला जो लाइटिंग वगैरह है वो पूरा हैलोजन टाइप देखने को मिलेगा। यहाँ पर वर्किंग लाइट देखने को मिल जाएगी। और अपन बात करें भैया यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 1800 से 1900 किलोग्राम के आसपास की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। वीडियो और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।